एमपी के रीवा में समाज सेवियों ने रात्रि में बांटे कंबल। रीवा जिले में ठंड से ठिठुर रहे असहाय लोगों को रात के समय समाज सेवियों ने एक अच्छी पहल की है, जिसमें कंबल बांटे गए, जिसमें बिल्डकॉन के रीवा सीधी निर्माणाधीन टनल के प्रोजेक्ट मैनेजर गणेश पृथ्वीराज, प्राइवेट आईटीआई के प्राचार्य गणेश गुप्ता, दिलीप बिल्डकॉन के सेफ्टी मैनेजर मनमदा राव, आरएसएस सामाजिक कार्यकर्ता महेश सेन उपस्थित रहे। बताया जा रहा है कि करीब 50 कंबल समाज से भी उन्हें वितरण किए हैं। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए रीवा से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। आज हम लोगों ने 50 कंबल बांटे। रात को जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनको जरूरत थी उसको कंबल बांटे, जिसमें दिलीप बिल्डकॉन के प्रोजेक्ट मैनेजर, जो टनल रीवा सीधी बन रही है उसके प्रोजेक्ट मैनेजर श्री गणेश जी थे, और मनमदा राव जी जो सेफ्टी मैनेजर है, और गणेश गुप्ता, पृथ्वीराज आईटीआई के प्राचार्य महेश सेन जी, और भाई साहब विश्वकर्मा जी। हम लोगों ने जो जो जरूरतमंद लोग हैं उनको हम लोगों ने कंबल बांटे। ऐसे कार्यक्रम तो इसका पहले भी हम लोग किया है, बहुत अच्छा लगा। इस बार तो हम लोग का प्रोजेक्ट मैनेजर रीवा सीधी टनल का दिल्ली बिल्डकॉन से श्री गणेश सर भी आया है हमारे साथ। उन्होंने बोला है कि हम लोग भी, वो भी बहुत सारा वेलफेयर का काम करता था, तो अच्छा लगा हम लोग भी उनके साथ, हम लोग भी करने में मज़ा भी आया। तो ऐसे कार्यक्रम भी साहब के साथ में और भी आगे भी करेंगे बोल के वो भी बोला कि हम लोग भी